मेक्सिको। यो तो दुनिया भर के देशों की अपनी अलग अलग खासियत है दोस्तों, लेकिन विश्व के भूगोल में मेक्सिको देश का एक अलग स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। तो आइए जानते हैं मेक्सिको देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य और इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपको मजा भी आएगा, हैरानी भी होगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी शानदार होने वाला है, तो बस आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि मेक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश है। मेक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना शहर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर अमेरिका और मेक्सिको के बीच में है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका और मेक्सिको आपस में 3201 किलोमीटर लंबी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और इसी कारण अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ मेक्सिको से ही होती है, जो कि इन दोनों देशों के विवाद का भी मुख्य कारण है। और तो और, मेक्सिको सिटी न्यूयॉर्क शहर से भी बड़ी है। मेक्सिको का पूरा नाम यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा है और मेक्सिको का राष्ट्रीय प्रतीक एक गोल्डन ईगल है। किसी समय में मेक्सिको स्पेन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज मेक्सिको अपनी तरक्की और आजादी के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। मेक्सिको देश को 15 सितंबर 1810 को स्पेन से आजादी मिली। मेक्सिको में पहली बार 1539 छापाखाना खोला गया, जो पूरे उत्तरी अमेरिका की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। मेक्सिको में विश्व के 7 अजूबों में से एक एल कैस्टिलो पिरामिड स्थित है, जिसे कुकुलन के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मेक्सिको देश में सबसे ज्यादा स्पेनिश बोली जाती है। यहाँ पर स्पेनिश बोलने वालों की संख्या स्पेन से भी ज्यादा है। दोस्तों, एक हैरानी भरा फैक्ट ये भी है कि मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी एक झील के किनारे पर है, जिसकी वजह से मेक्सिको हर साल 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर आ रहा है। जी हाँ, पूरे देश में भूजल की अधिकता के कारण ये देश धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। आपको बता दें कि 913 में मेक्सिको में एक घंटे के अंदर 3 राष्ट्रपति बने थे। 33वें राष्ट्रपति मेडिरो के हटने के बाद 34वें राष्ट्रपति के तौर पर पेड्रो लेस्क्यूरेन ने शपथ ली, लेकिन 26 मिनट के बाद ही उन्हें हटा दिया गया और इनकी जगह मेक्सिको के 35वें राष्ट्रपति बने क्यूरेटा। मेक्सिको देश रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। दरअसल रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। रिंग ऑफ फायर में 450 भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो मौजूद है और दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी मेक्सिको देश में ही है, जिसकी ऊंचाई 13 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। वहीं ज्वालामुखी खरगोश, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का खरगोश है और ये मेक्सिको में ज्वालामुखियों के पास रहते हैं। दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक पेड़ मेक्सिको में ही है, जो वहाँ का सबसे पुराना पेड़ है। ये करीब 2000 वर्ष पुराना है। पूरी दुनिया में चॉकलेट बनाने की शुरुआत मेक्सिको से ही हुई। मक्का यानी कॉर्न को भी पहली बार मेक्सिको देश में ही उगाया गया, जिसे वहाँ के आदिवासी खाया करते थे। मिर्च की शुरुआत भी मेक्सिको देश से ही हुई थी और आज के समय में भी सबसे ज्यादा मिर्ची मेक्सिको देश में ही उगाई जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नमक का व्यापार भी मेक्सिको देश ही करता है। हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये भी है कि मेक्सिको के करीब हर व्यक्ति की आय 19,000 से 20,000 डॉलर है और यहाँ की साक्षरता दर भी 95% से अधिक है। दोस्तों, भले ही दुनिया भर में पिरामिड के लिए इजिप्ट मशहूर है, पर शायद ये बात ना पता हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको देश में है। मेक्सिको सिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। साथ ही मेक्सिको चांदी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेक्सिको सिटी में 160 म्यूजियम है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, केवल लंदन से कम है। फुटबॉल मेक्सिको का सबसे लोकप्रिय खेल है और मेक्सिको 1970 और 1986 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर चुका है। मेक्सिको के नीचे 95 मील लंबी नदी बहती है। नदी चूना पत्थर की गुफाओं और दरारों से होकर बहती है। मेक्सिको की लगभग 30% आबादी भारतीय है। दक्षिण पूर्व में भारतीय भाषाएं बोली जाती है। मेक्सिको का वातावरण एक अनूठी और रंगीन संस्कृति है, जो कड़ी मेहनत, दृढ़ता, परिवारों और दोस्तों को पास रखने के माध्यम से बनती है। आज ये देश एक औद्योगिक देश है, जो धीरे धीरे आर्थिक दुनिया के रैंकों में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका कभी अमेरिका जाना हो तो मेक्सिको भी हो आइएगा, आपको यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोग पसंद आएंगे। तो दोस्तों, ये थे मेक्सिको से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। क्या आपने आज से पहले इनके बारे में सुना था और आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।